हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कुदरत क्या कर सकती है, उसके अंदर क्या पावर है, क्या शक्ति है, इसका नज़ारा इस आम से आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल कंप्लीट साफ़ सुथरे आम के अंदर एक कीड़ा जो जन्म लेता है, आप देखोगे। बिल्कुल ये आम देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं से कटा फटा नहीं है। मगर जब आपको इसको छीलते हो या कहीं से काटते हो तो आपकी हैरानी कम नहीं हो पाएगी। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसका छिलका उतारना शुरू किया तो इस छिलके के अंदर एक छेद बना हुआ है और छेद में एक जीवित कीड़ा जो धीरे धीरे आपको हलचल दिखाई देने लगी है। ये आम जो बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त ढका हुआ, आप देख ही सकते हैं छिलके के साथ कितनी मजबूती है और कितना अंदर ये इसके अंदर बैठा सांस ले रहा था। और इसने देखो हलचल शुरू कर दी है और धीरे धीरे ये इससे बाहर आ गया है। इसको इसने खाना पीना जिया कब से है, कुदरत को ही पता है। और ये देखो अब भागने की फिराक में है और यहाँ तक के ये थोड़ी सी पंखों को हवा लगने के बाद फ्लाइंग भी करता है। कुदरत का जो ये करिश्मा, नायाब करिश्मा जिसे बोलेंगे। तो इस आम को वैसे आप नॉर्मली देखोगे तो इसके अंदर ये चीज़ पैदा नहीं की जा सकती, मगर कुदरत ने कर रखी है। ये कहीं से कटा फटा नहीं है और ज़्यादातर असम साइड जहाँ बारिश होती है या कोई भी इलाके बारिश वाले, वहाँ ये कीड़ा गुठली के अंदर पैदा होता है और जो आम के पेड़ से गिरने तक और इस गुठली के हट जाने तक इससे बाहर नहीं आता। ये कुदरत का नयाब नज़ारा जो आपको दिखाया है, शायद आप भी तज़ुम मान गए होंगे। थोड़ा टच करने के बाद ये देखो इतना सेंसिटिव है कि अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश भी कर रहा है। ये चीज़ जो मैंने आपको पेश की है, देखो अभी चल पड़ा है ये आसानी से। और ये थोड़ा सा अब इसके अंदर पंख भी हैं, उड़ान भी देता है। कुदरत का ये जो करिश्मा है, इसको सल्यूट है। आप लोगों ने इसका एंजॉय किया होगा। सत श्री अकाल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल फ्रेंड, मिलते रहेंगे छोटी छोटी वीडियो के साथ। थैंक्स लॉट, सारे दोस्तों का धन्यवाद।